कल दिनांक 11/10/2022 को रात्रि में कुंडा पुलिस स्वाट टीम प्रभारी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु निरंतर अभियान चलाकर पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर चेकिंग कर रहे थे। जब ये मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक लुटेरों का गैंग आ रहा है, जो उनके पास बिना नंबर का ट्रक है, ट्रक से आगे ओवरटेक करके हाईवे पे सुनसान स्थान पे ट्रक को लूट लेते हैं। इस सूचना पे थाना प्रभारी कुंडा व स्वाट प्रभारी चौसा गैस एजेंसी कुंडा के पास में वाहनों की चेकिंग के संबंध में चेक लगाए हुए थे। तभी एक ट्रक आते हुए दिखाई दिया। उस ट्रक को रोकवा करके लोगों ने जमा तलाशी ली। जमा तलाशी से एक अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ तथा लूटी हुई एक ट्रक UP 42 AT 62 बरामद किया। वह थाना कुंडा में मुकदमा अपराध संख्या 325/22 धारा 394 से संबंधित लूट की दो अदद मोबाइल फोन जो ड्राइवरों से लूटे गए थे बरामद हुआ। अभियुक्त अली असगर के कब्जे से एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बरामद शुदा अभियुक्तों से जब पूछताछ किया गया तो बताया कि हमारे गैंग का लीडर जावेद पुत्र मोहम्मद जवाद निवासी अकबरपुर और गंगागंज दीवालपुर का रहने वाला है। वह मेरा गैंग लीडर है। उसके योजना के अनुसार हम लोग हाईवे पे जो एकांत में ट्रक जाती है, हाईवे पे जाकर के अपने ट्रक को ओवरटेक करके उस ट्रक को हम लोग रुकवा करके उसमें बैठ जाते हैं। ड्राइवर खलासी को उसी में बंधक बना लेते हैं। कुछ दूर जाने पे सुनसान स्थान पर ट्रक को हम लोग लेकर चले जाते हैं और उनको ड्राइवर और खलासी को झाड़ियों में फेंक देते हैं। इस तरह से कुंडा पुलिस व साफ टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है, पहला सेबू पुत्र अफसाद अहमद निवासी अकबरपुर थाना गंगागंज दीवालपुर थाना नवाबगंज, दूसरा अभियुक्त मोहम्मद आतिफ पुत्र मोहम्मद वासी, तीसरा अभियुक्त शहबाज पुत्र साने अली, चौथा अभियुक्त अली असगर पुत्र जवाद निवासी अकबरपुर, पांचवा मोहम्मद नदीम पुत्र मोहम्मद मोसीम। इस तरह से अंतर जनपदीय गिरोह को पकड़ने में कुंडा पुलिस व साफ टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुंडा में मुकदमा लिखा गया है। विधि कार्रवाई की जा रही है।